चलो तो बेसिकली आज हम शुरू कर रहे हैं. सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट, क्रिएटिंग ब्लॉगिंग वेबसाइट यूजिंग जेएसपी सर्वलेट एंड MySQL. ठीक है. एंड इट विल बी बेस्ड ऑन MVC मॉडल, पूरी तरह से MVC मॉडल पे रहेगी. और इस पर अगर हम बात करें रूल कौन कौन से होने वाले हैं, पूरी वेबसाइट को पहले आज समझेंगे कि हम प्रोजेक्ट वर्क शुरू करने जा रहे हैं. तो कुल मिला के हम टॉपिक दे सकते हैं जावा लाइव प्रोजेक्ट वर्क, और इसे हम लाइव भी कर देंगे. ठीक है, इसी वेबसाइट को हम पोस्ट कर लेंगे. और इसमें अगर कोई फंक्शनैलिटी बची भी है अगर अपने एप्लीकेशन पे, तो जो भी लगेगी इसमें सब कुछ इम्प्लीमेंट कर लेंगे हम. ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होती हैं पहले ये समझ लेते हैं, और देन हम समझते हैं रूल कौन कौन से होने वाले हैं. देखिए, कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट पहले आपको दिखा दें ताकि आपको पता रहे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट होती क्या है. देखिए, एक बहुत बेहतरीन साइट है, बहुत पॉपुलर साइट है ब्लॉगर, अगर आपने देखा हो कभी blogger.com. ये जो ब्लॉगर साइट्स होती हैं इनमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ, कोई साहित्य का बंदा है, कोई साइंटिफिक बंदा है, कोई कविताएं लिखने का किसी को शौक है, कोई न्यूज़ एडिटर है, कोई ट्रेनर है, कोई कुछ भी है. तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा कि आप ब्लॉगिंग साइट में अपने पर डे के कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं और लोग उन्हें देखते हैं. पहली चीज़, आप सपोज कि आप कुकिंग से रिलेटेड कुछ नया नया लिखना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति नई नई वेबसाइट रोज नहीं बना सकता, उसमें खर्चे भी होते हैं. तो हमें एक तो फ्री प्लेटफॉर्म देता है blogger.com. सपोज कीजिए यहाँ पे हमने क्रिएट योर ब्लॉग किया, या पर हम यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उसके बाद हम अपने ब्लॉग यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम अपना खुद का करें. और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो देखिए, आपको बने बनाए ब्लॉग मिलेंगे. सपोज कीजिए कि हमने लिख दिया लूप्स इन सी और हमने लिख दिया ब्लॉगर. तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लॉगर में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसने इसको सही ढंग से डिफाइन किया होगा लूप के बारे में. देख लेते हैं अपन को ब्लॉगर में कौन मिल रहा है. और कुछ देखते हैं. सपोज कीजिए हम लिखा हिंदी नोट्स. अच्छा, ब्लॉग स्पॉट ब्लॉगर में नहीं मिल रहा है. देखिए, ब्लॉग स्पॉट में मिल जाएगा. लूप्स इन सी ब्लॉग स्पॉट एक और एक साइट है ब्लॉग स्पॉट. ये देखिए, सी बेसिक प्रोग्राम blogspot.com. ब्लॉगर के बाद जब आप साइट बना देते हैं तो इसलिए इसको जो नाम देता है ये वो डॉट करके blogspot.com दे देता है. अब ये एक वेबसाइट हो गई, ये कोई बंदा हो गया जिसने पूरा अपना पेज पूरा डिज़ाइन कर लिया है. यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. इसी का ब्लॉग हो गया, फिर कोई और ऐसा ब्लॉग और कुछ करके रखा. तो अगर मैं सीधे इस वेबसाइट को खोलूँ ब्लॉग स्पॉट को, तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे आपको ब्लॉग स्पॉट में दो ऑप्शन मिलेंगे आपको blogger.com बनाने के लिए, और अगर आपको सर्च करना है तो फिर आपको सर्च करने के लिए नेम प्लस blogger.com लगा देते हैं. जैसे सी हमने अभी दिखाया था आपको, सी ब्लॉगर. जावा होगा तो कोई ना कोई जावा ब्लॉगर होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको रेसिपी ब्लॉगर होगा. तो ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे अलग अलग जो राइटर्स होते हैं वो अपने कंटेंट को डालते रहते हैं. अलग अलग राइटर होते हैं जो अपने कंटेंट को डालते रहते हैं. ठीक है, अब देखिए सी के ही बहुत सारे ब्लॉगर यहाँ पे हैं. just doccoding.blogspot.com,
सी प्रोग्रामिंग बेसिक ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, फिर कोई बंदा है जिसने अपना और बना के रखा है। तो इस तरह से बहुत सारे आप देख रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं। प्लस इनके अंदर भी आप चाहें बहुत सारे क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। अब वो लुक एंड फील अलग हो सकता है, कोई टॉप पे देता है, कोई साइड में कैटेगरी देता है। जैसे यहाँ पे कैटेगरी आगे देखिए, कैटेगरी देख दिखा रहा है आपको बेसिक प्रोग्रामिंग चाहिए, कंडीशनल चाहिए, लूपिंग चाहिए। तो कैटेगरीज से आप फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पर, और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये साइट मैं क्यों उठा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर हमें दो तीन रूल समझ में आएंगे। तो अगर हम ब्लॉगर की बात करें तो वन मिनट मैं आपको समझाता हूँ। इससे रिलेटेड साइट, अगर हमने ब्लॉगर साइट पे काम करना सीख लिया, ये ब्लॉगिंग साइट पर, तो हम क्या क्या बना सकते हैं जी देखिए इससे। सो फर्स्ट ऑफ ऑफ ये आपकी अब क्या हो, क्या हो गई, वेबसाइट हो गई। वेबसाइट्स में यहाँ पर क्या होते हैं, कैटेगरीज होंगी। तो फर्स्ट वन इज द कैटेगरी, किस किस कैटेगरी में आप ब्लॉगिंग कराना चाहते हैं, ये काम हो जाएगा एडमिन का। ठीक है, कैटेगरीज हो सकती है भाई कि आप न्यूज़ पे देना चाहते हैं, हो सकता है आईटी पे देना चाहते हैं। कैटेगरीज हो सकती हैं आईटी हो गई, न्यूज़ हो गई, देन एंटरटेनमेंट हो गया, एंड अदर अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअल हो गया, देन और भी कैटेगरीज हो सकती हैं। ये कैटेगरीज हो गई। देन दूसरे क्या होते हैं, ब्लॉगर। ब्लॉगर्स मतलब कंटेंट राइटर, जो उस पे कंटेंट राइट करेंगे। अब ये बहुत सारे हो सकते हैं, तो जितने भी राइटर्स होंगे उनका सबका अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ब्लॉगिंग साइट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अकाउंट, और अकाउंट बनाने के बाद वी हैव टू सेलेक्ट कैटेगरी कि हम किस किस कैटेगरी के लिए ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। अकाउंट एंड देन सेलेक्ट कैटेगरी, ये ब्लॉगर की बात कर रहे हैं। ये जो कैटेगरीज होंगी ये कौन डिटरमाइन करेगा, दिस इज द पार्ट ऑफ एडमिन। ये एडमिन डिटरमाइन करेगा कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन सी कैटेगरी पे आप ब्लॉगिंग कराना चाहते हैं। देन ब्लॉगर, ब्लॉगर क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, दैट मीन्स वो रजिस्टर करेंगे, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो अपना एक अकाउंट डिटेल, वही यूजर नेम, मेल आईडी, पासवर्ड सब कुछ करेंगे, देन वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अगला काम क्या रहेगा, ये पहला काम हो गया। दूसरा स्टेज रहेगा, यहाँ पर इनको करना होगा वेरीफाई बाय एडमिन, एक ऑप्शन ये रहेगा, और आप इनको वेरीफाई बाय ईमेल करेंगे। दो ऑप्शन है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आलतू फालतू ब्लॉगर आपके पास ना आए, तो आप पहले उनको वेरीफाई करेंगे अपने एंड पे, तो जब भी रजिस्टर करेगा तो एडमिन के पास लिस्ट में पहुंच जाएगा कि हाँ इस नए बंदे ने रजिस्टर किया हुआ है। और जब तक ये यहाँ पर वेरीफाई नहीं करेगा तब तक ये पेंडिंग स्टेट में रहेगा। अगर आप चाहते हैं एडमिन से कराना वेरीफाई, तो आप उसे एडमिन के पास भेजेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं नहीं, एडमिन की ज़रूरत नहीं, केवल डिटेल वेरीफाई करना है, तो आप वेरीफाई मेल या ओटीपी मोबाइल के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई हो गया। तीसरा काम, हर एक ब्लॉगर का अपना एक डैशबोर्ड होगा, हर एक ब्लॉगर का अपना एक डैशबोर्ड होने वाला है। ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे यहाँ पर कंटेंट को राइट करेगा, वो राइटिंग का सारा काम करेगा। देन यहाँ पर जो यूजर्स की क्वेरीज होंगी, क्वेरीज दिखेंगी, ठीक है, राइट करेगा किसको, ब्लॉग को, किसी भी कैटेगरी में क्वेरीज को भी देखेगा। कई बार ऐसा होगा अगर यूजर ने किसी ब्लॉग पर कोई आपत्ति की या किसी को कुछ डाउट हुआ, तो जब यूज़र ब्लॉगिंग साइट पर, अभी हम यूज़र वाले व्यू पे नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ दो व्यू की बात कर रहे हैं, एडमिन, ब्लॉगर, और एक तीसरा भी, इसलिए कौन सा रहेगा, यूज़र। यूज़र को तो छोड़ना ही नहीं है भाई, तो सारी चीज़ यूज़र के लिए हो रही है। तो राइट करेगा ब्लॉग को, क्वेरी सॉल्व करेगा, देन एडिट का ऑप्शन रहेगा, कोई भी उसने ब्लॉग राइट किया उसमें कोई आपत्ति आई है तो उसको एडिट करना या किसी पुराने ब्लॉग को रिमूव करना, ये ऑप्शन रहेगा उसका। जब भी राइट ब्लॉग करेगा तो उस ब्लॉग की कैटेगरी खुद सेलेक्ट करेगा वो कि किस कैटेगरी में डालना चाहता ब्लॉग। अभी एक ब्लॉग एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी हो सकते हैं, सिंगल कैटेगरी में भी हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई न्यूज़ आई है अमिताभ बच्चन की, तो सपोज कीजिए कि वो चली गई किस में, इंटरटेनमेंट पे, या और कोई आप रख सकते हैं। बट ऐसी कोई न्यूज़ है जो किसी राजनेता से संबंधित है, वो सपोज कीजिए पॉलिटी में चली गई,
कोई न्यूज एजुकेशन से रिलेटेड लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है, तो एजुकेशन पे चली गई और वही चीज आईटी पे भी चली गई, तो एक ही ब्लॉग को हमने दो जगह रख लिया। तो एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज अगर वो टेक्निकल न्यूज है तो उसे हम आईटी पे भी भेज सकते हैं, न्यूज कैटेगरी में भी भेज सकते हैं क्योंकि एक तो न्यूज ही है, एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन पे भी भेज सकते हैं और आईटी से रिलेटेड है तो तीनों कैटेगरी में जा सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा इसे और ये कैसे चेक करना हम सिखा चुके हैं चेकबॉक्स के थ्रू, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सभी को हम प्रॉपरली अब यूज करना सीखें। तो इसका डैशबोर्ड हुआ, ठीक है। एंड देन और भी चीज़ें रहेंगी, अगर कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ाना कि अगर ये कोई ब्लॉग राइट कर रहा है तो सीधे सीधे वेबसाइट पर नहीं दिखाना है, ठीक है। हमने आज पोस्ट किया सीधे वेबसाइट पर नहीं जानी चाहिए, एडमिन के पास जाए और एडमिन अगर अप्रूव कर दे तब वो यूज़र को दिखे, यूज़र को दैट मीन वेब पेज के फ्रंट एंड पे दिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखना चाहिए। तो ये एडिशनल सेटिंग होंगी जो हम कर सकते हैं आगे, अभी एक रफ आइडिया बना रहे हैं। अगर हम एडमिन की बात करें तो एडमिन का काम ये रहेगा कैटेगरी सेट करना, एडमिन क्रिएट कैटेगरी, ठीक है। Then approve blog. Blog मतलब जब ये content write करेगा, हमने कहा ना यहाँ पे आपने content write किया तो सीधे ही आपको post नहीं करना, जब ये write करेगा, जब भी blogger content write करेगा वो जाएगा admin के पास और admin जब उसे post approve करेगा तब एक technically अंदर से वो क्या हो जाएगा, post हो जाएगा और post हो जाएगा तो आपके web page पर दिखेगा। जब तक एडमिन नहीं करेगा तब तक इसके कितने ब्लॉग लिख देंगे नहीं, वो वेब पेज पर नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर अप्रूविंग के लिए हम रखने वाले हैं कि इसको एडमिन को, तो ब्लॉग को अप्रूव करना या फिर अगर आप चाहें तो ब्लॉगर को भी अप्रूव करना हो, मैंने एक ऑप्शन पहले बताया, या तो आप ईमेल के थ्रू उसे अप्रूव कर देंगे या फिर हम एडमिन के लिए वेट कराएंगे, जब एडमिन चाहेगा तब वो अप्रूव करेगा। देन यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन रहेगा, रिपोर्ट एनी ब्लॉग। अगर किसी ब्लॉग में कोई समस्या आ रही है, अगर आपको एडमिन को नहीं जम रहा है तो एडमिन यूज़र तो ठीक है, एडमिन भी अपने एंड पे रिपोर्ट का एक बटन देंगे जहाँ पर क्या होगा उस व्यक्ति जिसने भी ब्लॉग डाला है उसके पास यहाँ पे क्वेरीज या रिपोर्ट सेक्शन में क्या हो जाएंगे, वो मैसेज पहुँच जाएगा या तो उसके रिपोर्ट सेक्शन में तो उसके या तो रिपोर्ट सेक्शन पर पहुँच जाएगा या फिर उसके मेल पर चला जाएगा, ठीक है, या मोबाइल पर चला जाएगा। किसके मोबाइल पर, ब्लॉगर। जैसे एडमिन किसी चीज़ को रिपोर्ट में डालेगा कि भाई ये चीज़ आपकी गड़बड़ है, कंटेंट गड़बड़ लग रहा है या आपका इन्फॉर्मेशन गलत समझ में आ रही है, तो इसको ब्लॉगर को तुरंत एक मैसेज पहुंच जाएगा और उसे वो एडिट कर लेगा। देन इट कैन ऐड, इट कैन रिमूव, इट कैन अपडेट एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ब्लॉगर एंड ब्लॉग। अगर कोई ब्लॉग आपत्तिजनक है तो एडमिन को फीचर रहेगा कि वो खुद वहाँ से डिलीट कर सकता है ब्लॉग को, ब्लॉगर को भी ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, तो डिलीट कर सकता है या उसे हम ब्लॉक का ऑप्शन भी दे सकते हैं कि अगर डिलीट नहीं करना थोड़े दिन के उसे ब्लॉक कर दीजिए, जब वो चीज़ों को सेटिस्फाइड करेगा तो उसके बाद आप वापस से उसे रिज्यूम कर दीजिए, ऐड रिमूव का ऑप्शन रहेगा। ये देखिए ये कॉमन फीचर, इसके बाद प्रोफाइल का फीचर सबके पास रहना है, आपको पता ही है कि भाई प्रोफाइल आपको सबको दिखाना है, प्रोफाइल एडिट करना है, इमेज वगैरह चेंज करनी है, तो सारी चीज़ें तो रहेंगी, प्रोफाइल यहाँ भी रहेगा, फिर यहाँ पर चेंज पासवर्ड वगैरह का ऑप्शन रहेगा, वो आपको यहाँ भी मिलेगा, एडमिन पे भी मिल जाएगा, ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए, एक तो हो गया क्या ब्लॉगर रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल ब्लॉगर हो सकते हैं, सबके अपने अकाउंट होंगे, एडमिन एक ही होगा। अब बात करते हैं यूज़र, अगर यूज़र एंड की बात करें तो कुल मिला के हम होम पेज की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। यूज़र एंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम यूज़र के लिए कोई अकाउंट नहीं बनाना चाहते, अगर यूज़र अकाउंट बनाता है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी ही और शी विल बी कन्वर्टेड टू ब्लॉगर। तो अगर अकाउंट बनाएगा तो बेसिकली फिर वो यूज़र का आएगा, वो क्या बन जाएगा, ब्लॉगर। तो यूज़र्स आर द थर्ड पार्टी और विजिटर ऑफ द पेज हु कैन डायरेक्टली व्यू द ब्लॉग। तो अगर हम होम पेज की बात करें, तो होम पेज कुछ इस तरह से बनने वाला है, फिर हम बात करेंगे डेटाबेस की। तो होम पेज पर यहाँ पे थोड़ा सा आपका हेडर सेक्शन होगा जहाँ पे आपको अपने ब्लॉगर से रिलेटेड जानकारी लिखनी है, यहाँ पर आपने एक ऑप्शन दे दिया रजिस्टर एज अ ब्लॉगर, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दे दिया, ये ब्लॉगर के लिए हो गया रजिस्टर एंड ब्लॉगर। यहाँ पर टॉप में आपको यहाँ पे टॉप न्यूज़ या टॉप ब्लॉग्स दिखने चाहिए जो अभी अभी पोस्ट हुए हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ये अलग अलग आपको दिखा देने हैं किस पे,
या तो आप चाहें तो कार्ड बना लीजिएगा, कार्ड के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन एंड क्लिक टू व्यू, क्लिक टू व्यू जैसे हमने न्यूज़ दिखाई थी बिल्कुल सेम था, न्यूज़ का ही डुप्लीकेट मान लीजिए। न्यूज़ अगर आपने ब्लॉगिंग पे काम सीख लिया तो न्यूज़ पे काम तो आप सीख ही लेंगे। तो यहाँ पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रहेगी और व्यू मोर का ऑप्शन सभी में रहेगा। तो ये ब्लॉग रहेंगे टॉप पे, टॉप जो ब्लॉग रहेंगे इसको हम ऑन स्क्रॉल पर और बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, ऑन स्क्रॉल पर इनको हम और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। साइड में रहेंगी कैटेगरी, साइड में रहेंगी कैटेगरी, यूज़र किस किस चीज़ से ब्लॉग देखना चाहता है, ये जो कैटेगरीज होंगी यहाँ पर जो आने वाली हैं ये सब डेटाबेस से आने वाली, सब कुछ ही डेटाबेस से आएगा। तो ये दो पार्ट में आ गया हमारे पास, एक तरफ रहेगा कैटेगरी, एक तरफ रहेगा टॉप न्यूज़। और अगर हमने कैटेगरी सेलेक्ट की तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता जाएगा, फिल्टर होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आपने किसी, ये पहला पेज हो गया, अब आपने कोई ब्लॉग कम्प्लीटली पढ़ा, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमने यहाँ से कर दिया आगे टू, दूसरे पेज पे जाना भाई, ये टू लिख दिया। अब आप आ गए दूसरे पेज पर, वॉइस वगैरह आ रही मेरी, सबको सुनाई दे रहा प्रॉपरली? तो अब आप ये आ गए दूसरे पेज पर, जब यूजर ने कहा व्यू या व्यू डिटेल, तो व्यू डिटेल आपने किया तो यहाँ सारा इंफॉर्मेशन उसका आपको मिल गया। फिर चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड पोस्ट रही हो, चाहे वो कोई प्रोग्रामिंग की पोस्ट रही हो, सब कुछ यहाँ पे सारा पोस्ट मिला। अब यहाँ पर यूज़र का, जब भी यूज़र रहेगा तो यूज़र के सामने आपको दो ऑप्शन रखना है कि यूज़र या तो रजिस्टर्ड है या फिर नॉन रजिस्टर्ड। देखिए जो ब्लॉगर हैं वो भी किसी और का ब्लॉग देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, लेकिन उस पर नया पोस्ट वो एडिट नहीं कर सकते। हर व्यक्ति केवल अपने ब्लॉग से पोस्ट को एडिट करेगा। अगर मैंने दो तरह के कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन किया तो मैं दो ही तरह कैटेगरी के पोस्ट कर सकता हूँ, बाकी नहीं। अगर मुझे चेंज करना होगा तो मैं बाद में जाके बस उसे अपडेट करूँगा। ब्लॉग देखने के बाद यहां पर जो भी यूजर है उसे एक ऑप्शन देना है, यहां पर रिपोर्ट या फिर क्वेरी का। अगर उसे कुछ आपत्ति है यूजर को, तो यूजर यहां पे अपना नेम टाइप करे और यहां पर एक मैसेज टाइप करे और यहां पर सेंड कर दे, ठीक है, यहां पर क्या कर दे, सेंड कर दे। तो जैसे ही मैसेज सेंड होगा, ये वाला जो मैसेज, अपना यूज़र किसने पोस्ट किया और सब क्या दिक्कत है या उसमें क्या करेक्शन चाहता है, जैसे ही मैसेज सेंड करेगा तो ये उस ब्लॉगर की, जो भी ब्लॉगर का पोस्ट है, सबको नहीं जाएगा, उस ब्लॉगर के अकाउंट में जाकर, ब्लॉगर के अकाउंट पर जाकर रिपोर्ट या क्वेरी सेक्शन में, रिपोर्ट या फिर क्वेरी सेक्शन में शो होगा। मतलब कुल मिलाकर ये एक डेटाबेस में चला जाएगा, इसका भी एक डेटाबेस बनने वाला जो यूज़र यहाँ से रिपोर्ट डालेंगे। और एक यहाँ पर ऑप्शन रखना है, ये तो हो गया आपका ब्लॉग का, ठीक है, एक यहाँ पर रखना है आपको यूज़र कमेंट्स। यहाँ पे यूज़र और उनके कमेंट्स दिखते रहेंगे कि बाकी लोगों ने क्या कहा इस ब्लॉग के बारे में, फेक है, न्यूज़ है, ठीक है। तो इस तरह के यूज़र के कमेंट्स यहाँ पे दिखते रहेंगे। जो यूज़र यहाँ पोस्ट करेगा वो भी यहाँ पे कमेंट्स दिखता रहेगा। तो आप मैसेज कह सकते हैं या फिर कमेंट कह सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर आप डालेंगे और यहाँ पर पोस्ट होता रहेगा। और हर यूज़र पे अगर कोई ब्लॉगर रिप्लाई कर रहा है, सपोज़ कि ब्लॉगर ने रिप्लाई किया, तो यहाँ पे ब्लॉगर रिप्लाई दिखेगा। अगर ब्लॉगर रिप्लाई दे रहा है किसी भी यूज़र को तो ये यूज़र के कमेंट दिखेंगे। और यहाँ पर अगर ब्लॉगर रिप्लाई दे रहा है, जैसे आप देखते हैं फेसबुक वगैरह पोस्ट पर आप डालते हैं तो उसका रिप्लाई यहाँ पर दिखता है, तो यहीं पर उसके नीचे ब्लॉगर रिप्लाई दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूजर पब्लिक है, पब्लिकली चाहिए उसे, तो कोई भी पोस्ट होगा ये पब्लिकली यहाँ पे डालेगा। जैसे आप लोग प्ले स्टोर वगैरह पे कोई चीज़ करते हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं जम रही तो आप वहाँ पे अपना कमेंट लिखते ही हैं, रेटिंग देते हैं, तो ये जो सारी रेटिंग और कमेंट्स होंगे वो सब आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और उसी के नीचे अगर कोई रिप्लाई आया है ब्लॉगर की तरफ से, तो आप उस रिप्लाई को उसी पोस्ट के नीचे दिखाएंगे जिस यूज़र के लिए ब्लॉगर ने रिप्लाई दिया है, ठीक है, ब्लॉगर ने जो रिप्लाई दिया है वो भी यहाँ पे आएगा। तो कुल मिला के इसका जो डेटाबेस होगा वो हम देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे किस तरह का होने वाला है, ठीक है, क्लियर इतनी चीज। तो ये तो हो गया हमारा व्यू, तो इस व्यू पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए एक व्यू ये रहा, अगले पेज पर फ्रंट पेज का व्यू ये रहा। अगर आप चाहते हैं इसी पर ब्लॉगिंग के साथ एक फंक्शनैलिटी डालना फ्रंट पेज पर, तो हेडर सेक्शन रहा,
हेडर पे आप चाहेंगे रजिस्टर एंड लॉगिन का ऑप्शन दे दिया, अबाउट वगैरह का ऑप्शन दे दिया आपने, और यहीं पर वो वाली एपीआई लगा देना न्यूज़ वाली, ठीक है, न्यूज़ एपीआई लगा देना, सर्च न्यूज़। ब्लॉग के अलावा इसी पे हम एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे सर्च न्यूज़ वाला ऑप्शन रख लेंगे ताकि यूज़र जब भी यहाँ पे कोई चीज़ नई सर्च करे जो इस कैटेगरी पे नहीं है तो यहाँ से न्यूज़ को भी सर्च कर सके, ठीक है। अब देखते हैं डेटाबेस, डेटाबेस फर्स्ट डेटाबेस बनेगा किसका, कैटेगरी का। फर्स्ट डेटाबेस बनेगा कैटेगरी का, जिसमें क्या क्या रहने वाला है, कैटेगरी की आईडी और कैटेगरी का नेम एंड कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा जो डेटाबेस बनने वाला है वो बनने वाला है ब्लॉगर का, जिसमें ब्लॉगर की रहेगी आईडी, ब्लॉगर का भी रहेगा नेम, कोई एक्स्ट्रा बंदा तो ज्वाइन नहीं हुआ, मैंने देखा नहीं बहुत देर से, फोन पे, ठीक है, ब्लॉगर का नेम रहेगा, देन ब्लॉगर का मोबाइल, ब्लॉगर का ईमेल, ईमेल ही बेसिकली उसकी यूज़र आईडी रह जाएगी, ठीक है, इसी को आप यूज़र आईडी मान लेंगे, उसका पासवर्ड, एड्रेस, ये ब्लॉगर का रहेगा। अब बात आती है यहाँ पर ब्लॉगर और कैटेगरी, हर ब्लॉगर किसी न किसी, और इसका हाँ एक रहेगा, इसका फोटो पिक रहेगा ब्लॉगर का, ठीक है, एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन घटेगी बढ़ेगी तो अपन देख लेंगे। अब एक इन दोनों का मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, किसका, बॉर्डर और कैटेगरी का। तो देखिए बॉर्डर और कैटेगरी की अगर हम बात करें तो, सॉरी, ब्लॉगर और कैटेगरी की बात अगर हम करें तो इनके बीच किस तरह का रिलेशनशिप होने वाला, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक टेबल होगी जिसमें रहेगा कैट आईडी, सॉरी, एक रहेगा ब्लॉग आईडी, ब्लॉगर आईडी, और एक रहेगा कैट आईडी, एक ब्लॉगर किस किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करा रहा है, और एक कैटेगरी की आईडी तो रहेगी ही, ये आपको पता ही है, क्योंकि एक ब्लॉगर एक कैटेगरी पे भी डेटा दे सकता है और एक से ज़्यादा कैटेगरी पे भी दे सकता है, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, एक ब्लॉगर एक से ज़्यादा कैटेगरी पर या सिंगल कैटेगरी पर, उसी तरह से एक से ज़्यादा कैटेगरी एक ब्लॉगर के पास जा सकती है और मल्टीपल ब्लॉगर एक ही कैटेगरी पे हो सकते हैं, तो इसलिए इनके बीच कौन सी रिलेशनशिप रहेगी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रहने वाली है। अब एक चीज़ हमने भी बताई थोड़ी देर पहले कि आपको इसको डायरेक्टली जब ब्लॉगर रजिस्टर होगा तो इसे पेंडिंग में डाल देना जब तक ये अप्रूव ना करे, तो अप्रूव स्टेटस, ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम रहेगा अप्रूव स्टेटस, अप्रूव स्टेटस ये बताएगा कि अप्रूव हुआ है कि नहीं है, यस और नो, ये हमारे ऊपर देखिए पूरी तरह से कि हम ईमेल से अप्रूव कराना चाहते हैं या फिर यूज़र से, सॉरी, इससे एडमिन से, अगर एडमिन अप्रूव करने वाला है तो फिर अप्रूव स्टेटस, जब एडमिन अपने अकाउंट खोलेगा फिर देखेगा कि आज कितने ब्लॉगर रजिस्टर्ड हुए हैं, फिर वहाँ पे सबके आगे टेबल पे प्रूफ की बटन बनी रहेगी, जब वहाँ पे क्लिक करेगा तो उसके बाद ये लॉगिन कर पाएगा, जब तक अप्रूव स्टेटस नो है तब तक ये अकाउंट बनाने के बाद भी जब ये लॉगिन करेगा तो इसे मैसेज मिलेगा कि योर अकाउंट इन पेंडिंग स्टेट, ठीक है, वेट फॉर एक्टिवेशन, जब तक एक्टिवेट नहीं हो जाएगा तब तक आप वेट करिए, इस तरह से यहाँ पे कुछ आता रहेगा। कैटेगरी हो गई, ब्लॉगर हो गई, एक पोस्ट बनेगी ब्लॉग की। अब जब ये ब्लॉग लिखेगा, ब्लॉग या इसी को हम कहते हैं पोस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों का एक ही मतलब है, ब्लॉग या फिर पोस्ट, ब्लॉगर जो लिखेगा जो कंटेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट कहेंगे, हर एक पोस्ट की एक आईडी रहेगी, हर पोस्ट का एक कंटेंट या डिस्क्रिप्शन रहेगा हमारे ऊपर है कि हम क्या लेना चाहते हैं, कंटेंट हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। और अब देखिए ब्लॉगर और पोस्ट के बीच, ब्लॉग और ब्लॉगर के बीच अगर हम देखें तो कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, एक ब्लॉगर जब एक पोस्ट डालेगा तो एक पोस्ट एक ही ब्लॉगर से रिलेटेड रहेंगे,
अगर मैंने कोई पोस्ट डाली है, मैं मल्टीपल पोस्ट तो दे सकता हूँ, मतलब वन ब्लॉगर कैन राइट द मल्टीपल पोस्ट, बट ईच एंड एवरी पोस्ट मस्ट हैव अ सिंगल ब्लॉगर। उसी तरह की दूसरी पोस्ट हो सकती है लेकिन वो कोई दूसरा ब्लॉगर राइट करेगा, तो हर ब्लॉगर का जो पोस्ट होगा, हर पोस्ट के लिए जो ब्लॉगर होगा वो सिंगल होगा, लेकिन एक ब्लॉगर के लिए मल्टीपल पोस्ट हो सकती है। वन टू मैनी के रिलेशनशिप यहाँ बन रहा है, और जब वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा तो यहाँ पे एक फॉरेन की बनानी पड़ेगी, और वो क्या बन जाएगी, ब्लॉगर आईडी, ब्लॉगर आईडी, और ये बन जाएगी हमारे पास फॉरेन की। समझिएगा बात को, कि यहाँ पर एक ब्लॉगर एक से ज्यादा पोस्ट लिख सकता है लेकिन एक पोस्ट एक ही ब्लॉगर लिखेगा, ठीक है। जैसे दूसरा पोस्ट लिखेगा तो उसकी आईडी भी बदल जाएगी, ब्लॉगर आईडी वही रहेगी बट उस पोस्ट की आईडी चेंज होती जाएगी। तो अगर कभी ज़रूरत पड़ी मुझे ये सर्च करने की कि ये पता लगाओ भाई कि इस ब्लॉगर ने इस महीने कितनी पोस्ट डाली है, एडमिन को अगर पता लगाना है कभी, या ब्लॉगर को खुद पता लगाना है, तो वो यहाँ पोस्ट आईडी से निकाल लेगा कितने ब्लॉग आए हैं। देन एक चीज़ और हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, और वो रहेगी कैटेगरी आईडी, कि वो जो ब्लॉग डाली गई है वो किस कैटेगरी में डाली गई है। अब यहाँ देखिएगा, अगर हमने यहाँ पर किया, ये भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे किस फॉर्मेट में इसको रखा जाए, अगर ब्लॉग एक से ज़्यादा कैटेगरी में है तो हम यहाँ पर सिंगल ये नहीं बना पाएंगे, तब ये दिक्कत आएगी। क्यों आएगी दिक्कत, क्योंकि अननेसेसरी अगर कोई ब्लॉग तीन बार डाली गई है तीन कैटेगरी में, तो यही चीज़ रिपीट हो जाएगी मल्टीपल टाइम, कि ये ब्लॉग इसमें भी है, ये ब्लॉग इसमें भी, ये ब्लॉग इसमें। भाई ब्लॉगर आईडी तो ठीक है, एक ब्लॉग के लिए एक बार आ गई, कंटेंट भी एक बार आ गया, आईडी भी एक बार आ गई ब्लॉगर की, ब्लॉग की सॉरी। बट अगर हमने कैटेगरी आईडी डाली यहाँ पर, तो कैटेगरी आईडी जितनी बार आएंगी उतनी बार बाकी इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी रिपीट हो रहेगी, कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन होगी ना यहाँ पे, सपोज की डेट भी होगी, किस तारीख को डाली गई है डेट। थोड़ा सा जब आप ये डालेंगे तो एक यहाँ पर हर ब्लॉग के साथ एक इमेज या पोस्टर डालेंगे, ताकि वो डेटा में जब व्यू हो तो दिखना चाहिए, पोस्टर या फिर एक क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी हर एक ब्लॉग के साथ, ताकि पोस्ट जब खोलें तो एक ब्लॉगर आ। तो अब ये क्योंकि एक से ज़्यादा कैटेगरी पे हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ये रिलेशन यहाँ पर नहीं बनाएंगे हम, इसके लिए भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मेंटेन कर देंगे। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या बनेगा, एक ब्लॉग आईडी बनेगा और एक बनेगा कैट आईडी, कैटेगरी आईडी, ठीक है, ब्लॉग आईडी और कैटेगरी आईडी। एक ब्लॉग क्योंकि एक से ज़्यादा कैटेगरी में हो सकती है, तो वही ब्लॉग आईडी मल्टीपल कैटेगरी में आती रहेगी। तो ये इसके लिए रिलेशनशिप होगा, किनके बीच, ब्लॉग और कैटेगरी के बीच, ठीक है। सो ब्लॉग एंड कैटेगरी, ब्लॉग एंड कैटेगरी, इन दो के बीच रिलेशनशिप भी मेंटेन हो रहा है। तो ब्लॉग और ब्लॉगर के बीच मेंटेन हो रहा है, एंड ब्लॉग और कैटेगरी के बीच भी मेंटेन हो रहा है रिलेशनशिप। M2M यहां पर आ गए, हम आते हैं आगे। ब्लॉग हो गया, पोस्ट भी हो गया, कैटेगरी भी हो गई। अगला बात करते हैं हम यहां पर कमेंट सेक्शन की। कमेंट सेक्शन मान लेते हैं, रिपोर्ट सेक्शन मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में एक चीज आ जाएगी, आपकी जो भी कमेंट्स कर रहा बंदा वो सब आके यहाँ स्टोर होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जब भी कोई बंदा कमेंट करेगा तो वो जो कमेंट्स होंगे वो किसी न किसी ब्लॉग के लिए किए गए होंगे, उस ब्लॉग पर कमेंट करेगा, पूरे पूरे ब्लॉगर को नहीं कमेंट कर देगा, ये पूरी कैटेगरी को नहीं करेगा। तो जब भी कमेंट्स करेगा वो बंदा, तो एक तो उसकी यूनिक आईडी जनरेट हो गई, भाई कितने कमेंट आए हैं। दूसरी चीज क्या जनरेट होने वाली है, कमेंट किसी न किसी ब्लॉग पे होंगे, इसलिए उनकी एक ब्लॉग आईडी जनरेट होगी, ठीक है, वो जनरेट होनी है। देन उस यूजर का नेम जनरेट होगा जिसने कमेंट किया हुआ है, यूजर का नेम जनरेट होगा, ठीक है, यूजर का नेम। अगर आप चाहते हैं रजिस्टर्ड यूजर है तो यूजर आईडी कर सकते हैं, बट हम ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहते, केवल रजिस्टर्ड यूजर ही करें। देन यहां पर एक होगा रिप्लाई, इसके लिए अलग से हम कोई भी टेबल नहीं बनाएंगे रिप्लाई के लिए, यहीं पर जब तक रिप्लाई नहीं देंगे हम तब तक वो एम्प्टी रहेगा। अगर मैंने रिप्लाई दे दिया तो उस कॉलम में रिप्लाई वाला मैसेज आ जाएगा। तो ये टेबल हम मेंटेन करने जा रहे हैं कमेंट्स की, तो एक क्या रहेगा, रिप्लाई का ऑप्शन। तो जब यूजर, हमने कहा था ना यहाँ पर यूजर को दिखना चाहिए रिप्लाई,
सपोज कि यहाँ पे हमने बात की थी कि यूजर को रिप्लाई देखेगा तो होगा क्या, कहाँ गई, अरे वो कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे बात करें, हमने कहा था हर कमेंट्स यहाँ दिखेंगे उसके नीचे उसका रिप्लाई। तो जब ये सपोज करिएगा कि यहाँ पे सपोज एक ब्लॉग आया, उस ब्लॉग की कोई आईडी आई, उस ब्लॉग की आईडी में कितने कमेंट्स आए वो भी इस कमेंट वाली टेबल पे मिल जाएगा, और जिस जिस पे रिप्लाई आए होंगे उसके नीचे, उसके बाद हम क्या दिखा देंगे उस यूजर के नीचे उसका रिप्लाई दिखा देंगे, नहीं आया होगा तो नहीं दिखाएंगे। तो सिंपल है, कोई टिपिकल नहीं है। तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो कमेंट्स एंड रिप्लाई, तो ब्लॉग आईडी, अब देखिए ब्लॉग आईडी से हमें ये पता चल जाएगा कि ब्लॉग डाला किसने था। देखिए क्योंकि यहाँ पर जब ब्लॉग या पोस्ट पे आप जा रहे हैं ना, तो ब्लॉग के साथ यहाँ पर ब्लॉगर आईडी मिल जाएगी मुझे ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे ब्लॉगर आईडी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं रखना तो आप रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर आप चाहते हैं रखना तो आप यहाँ पे ब्लॉगर आईडी रख सकते हैं, बट जरूरत नहीं क्योंकि ब्लॉग आईडी से हमें ब्लॉगर आईडी मिल जाएगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अगर मुझे क्वेरी बाद में ना लगानी पड़े, यहाँ पे मेहनत करना चाहते हो तो यहाँ पे कर लो, ब्लॉगर आईडी भी ले ली। ब्लॉगर आईडी क्यों ली, क्योंकि जब ब्लॉगर लॉगिन करेगा और उसके ब्लॉग पे अगर जितने भी कमेंट आए वो उसे भी दिखाना है, तो यहाँ पे हम ब्लॉगर आईडी से उठा लेंगे कि आपके किस किस कमेंट पे, सॉरी किस किस ब्लॉग पे कौन कौन से कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है। तो ये कमेंट्स की टेबल हो गई। अब क्या बचा हुआ है, लॉगिन का टेबल अलग से चाहिए नहीं, एडमिन का एक टेबल रहेगा, उसका डिटेल पहले से ही सेट रहेगा एडमिन का टेबल, तो एडमिन के लिए जो भी आप डिटेल रखना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आप रख लेंगे, एडमिन में कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मुझे एपीआई की जरूरत पड़ेगी, ये सिंपल हो गया। अब हम बात करते हैं एपीआई की ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है, एपीआई पहली चीज़ जहाँ पर हम एड्रेस का कॉलम रखने वाले हैं, एड्रेस का, तो एड्रेस पे हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं स्टेट्स एंड सिटीज, तो स्टेट की पूरी लिस्ट चाहिए, पूरी लिस्ट, तो ये हम बनाएंगे नहीं, इसके लिए कोशिश करेंगे कि हमको कि कोई एपीआई मिल जाए जिसमें सारे स्टेट मिल जाए, जैसे कोई स्टेट सेलेक्ट करें तो उसकी सारी सिटीज मिल जाए, तो इसकी भी लिस्ट हम एपीआई से ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक, इसके लिए स्टेट और सिटीज के लिए पहली एपीआई। दूसरी एपीआई हमें कहाँ ढूंढनी है, एसएमएस अगर आप चाहते हैं ओटीपी वेरिफिकेशन तो आप यहाँ पे एक एपीआई चाहिए आपको, अगर आप चाहते हैं ईमेल वेरिफिकेशन करना है, ईमेल वेरिफिकेशन, तो भी आपको एक एपीआई की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और हमने कहा था कि एक लाइव सर्च रखना है, लाइव सर्च जहाँ पे यूजर डायरेक्टली लाइव न्यूज़ देख सकते हैं, तो एक न्यूज़ एपीआई लगा देंगे अपन, ताकि ये भी फंक्शनैलिटी वहीं कहीं मिल जाए, एक न्यूज़ एपीआई लगा देंगे। और कहीं कुछ एपीआई की जरूरत पड़ेगी क्या, अगर पड़ेगी तो और भी देख लेंगे, बट ये तो ज़रूरत की है हमारे पास, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपने देख लिया किस तरह का स्ट्रक्चर होने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम डैशबोर्ड की बात करते हैं, एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड में अगर हम बात करें तो एक हो गई हमारे पास प्रोफाइल, एक हो गया हमारे पास चेंज पासवर्ड, ये तो कॉमन सा रहेगा चेंज पासवर्ड, एक हो गया हमारे पास व्यू ब्लॉगर्स, ठीक है। जैसे ही ब्लॉगर व्यू करेगा उसी टाइम पे एक हमारे पास टेबल आएगी जिसमें ब्लॉगर के नेम रहेंगे और यहाँ पर एक स्टेटस रहेगा उनका, स्टेटस या तो पेंडिंग दिखाएगा या फिर अप्रूव्ड दिखाएगा, पेंडिंग या फिर अप्रूव्ड दिखाएगा, और इस अप्रूव्ड के आगे यहाँ पर एक बटन बना के रखेंगे चेंज स्टेटस, ठीक है। हमने कहा था ना कि या तो आप मेल के थ्रू करने तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चलो अगर हम ब्लॉगर को मेल से भी अप्रूव करा दिया लेकिन ब्लॉग को डायरेक्ट हम उसका पोस्ट नहीं करेंगे, तो व्यू ब्लॉगर्स रहेंगे। और चलिए व्यू ब्लॉगर्स अगर रहते भी हैं तो काम करते हैं, ब्लॉगर पे मेहनत नहीं करते हम, एक काम करते हैं हम व्यू पोस्ट की बात कर लेते हैं, पोस्ट को हम करा देंगे इससे। हमारे पास इधर कहाँ गया, ये
तो हम व्यू ब्लॉगर्स लिखेंगे, ब्लॉगर्स के यहाँ पे आईडी आ गई, ब्लॉगर का नेम आ गया और यहाँ पर ब्लॉगर का आईडी नेम कॉन्टैक्ट दिखा देंगे, ब्लॉगर का कॉन्टैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखाना मुझे। और एक ऑप्शन और इन सभी के आगे मुझे एक ऑप्शन दिखाना होगा व्यू ब्लॉग्स, हर ब्लॉगर के आगे एक बटन बनाएंगे हम कौन सा, व्यू ब्लॉग्स, उस ब्लॉगर के ब्लॉग कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हमने सिंपल व्यू ब्लॉग लिखा, जैसे व्यू ब्लॉग करेंगे हम, यहाँ देखिएगा व्यू ब्लॉग, तो उसमें जितने भी ब्लॉग लिखे होंगे, जितने भी ब्लॉग लिखे होंगे उनका भी एक टेबल के फॉर्मेट में, एडमिन को ब्लॉग पढ़ना थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, लेकिन ब्लॉग के अप्रूव या पेंडिंग जरूर करना है। तो जब यहाँ पे व्यू ब्लॉग्स आएंगे तो ब्लॉग्स के लिए हम वही वाला टेम्पलेट, जैसे कि हमने अभी बताया था यूज़र के लिए एक टेम्पलेट जैसे दिखाया था, वही वाला पेज यहाँ दिखा देंगे जिसमें ब्लॉग वगैरह दिखेंगे उसके। तो जब भी ये व्यू ब्लॉग पे करेगा तो यहाँ पर उस यूज़र के, जिस भी आपने क्लिक किया जिस यूज़र के, टॉप ब्लॉग ब्लॉग्स यहाँ पे दिखेंगे छोटे छोटे से, और यहाँ पर ब्लॉग का जो स्टेटस रहेगा वो दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसके जो ब्लॉग होंगे टॉप में वो दिखाना है जो पेंडिंग ब्लॉग हैं, ठीक है। जो पेंडिंग मतलब रिसेंट ब्लॉग, जो उसने नया ब्लॉग डाला है तुरंत वो पेंडिंग में जाएगा, तुरंत नहीं दिख जाएगा वेबसाइट पर, वो पेंडिंग में रहेगा। और जब हम एडमिन में लॉगिन करेंगे और यहाँ देखेंगे कितने ब्लॉग आए हैं उसके, तो टॉप में कौन से वाले दिखने चाहिए, पेंडिंग वाले, मतलब रिसेंट वाले, ये पेंडिंग दिखनी चाहिए, स्टेटस पेंडिंग, स्टेटस पेंडिंग, तो ये पेंडिंग वाले ब्लॉग हो जाएंगे। टॉप पे दिखाना पेंडिंग, अप्रूव वाले भले नीचे रहें। क्या हो गया, पेंडिंग वाले ब्लॉग टॉप पे आएंगे। और इस वाले पेंडिंग के बाद हर एक के बगल में एक ऑप्शन रहेगा चेंज स्टेटस, चेंज स्टेटस बटन रहेगी हर एक के साथ, क्या रहेगा, चेंज स्टेटस, ठीक है। ब्लॉग देखेंगे यहाँ पर लिखा रहेगा जो भी रहेगा, आप चाहें तो यहाँ पे बटन रहेगी व्यू मोर पूरा भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे चेंज स्टेटस वाली बटन रहेगी, ये पेज की डिज़ाइन बता रहे हैं हम आपको। व्यू ब्लॉग तो जिसका भी बंदा, जिस भी बंदे के सामने मैं क्लिक करूँगा उसके ब्लॉग्स आएंगे, टॉप पे पेंडिंग वाले रहेंगे, नीचे पेजिनेशन लगा देंगे आप 1, 2, 3, 4, ये किसी भी तरह से, क्योंकि सारे ब्लॉग तो नहीं, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे हर महीने बहुत सारे ब्लॉग आते जाएंगे, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना, पेजिनेशन टॉप 1, 2, 3, ताकि उसे पता चल जाए यूजर को पेंडिंग कौन सा। चेंज स्टेटस पर आपको ऑप्शन रहेगा कि क्या स्टेटस इसका रखना है, अगर पेंडिंग है तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट तो पेंडिंग है ही है, और नहीं तो भी आपको लग रहा नहीं अभी पेंडिंग ही रहने, तो ताकि वो करेक्ट करके वापस सही करें तो आप उसको पेंडिंग रहने दीजिए, और यहाँ पर आप या फिर उसे क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप रिजेक्ट करेंगे तो आपको रीज़न भी तो देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना किसी का ब्लॉग आप रिजेक्ट कर देंगे, परेशान हो जाएगा भाई कारण क्या था। तो मुझे सिर्फ इतने से काम नहीं करना है, तो जब इतने से काम नहीं होगा थोड़ा सा इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखनी हमें। चेंज स्टेटस जो आप चेंज स्टेटस करने वाले हैं, तो इसको हम यहाँ बना लेते हैं, चेंज स्टेटस पर अगर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर स्टेटस तो रहेगा ही कि आप कौन सा चेंज करना चाहते हैं, पेंडिंग या फिर अप्रूव्ड, या फिर आप चाहेंगे तो उसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको देना रीज़न, ठीक है, रीज़न कारण क्या है, और आपने यहाँ पर बना दिया सेव, ये रीजन लिखा है SION रीजन,
सेव। ठीक है, अगर ये अप्रूव्ड हो गया, इफ अप्रूव्ड, जैसे आपने अप्रूव पे क्लिक किया, आपने जैसे अप्रूव्ड किया, तो अगर अप्रूव्ड हो गया देन इट विल बी शोन ऑन फ्रंट पेज ऑफ वेबसाइट। फ्रंट पेज मतलब नहीं, फ्रंट पेज पे ही आ जाएगा, मतलब फ्रंट पेज पे स्क्रॉल के बाद जहां भी उसकी जरूरत होगी वहां पे आएगा। तो अप्रूव्ड हो गया तो वेबसाइट में दिखने लगेगा, और जब तक अप्रूव नहीं है तब तक ये वेबसाइट में दिखेगा नहीं। रिजेक्ट हो गया अगर तो भी नहीं दिखेगा, पेंडिंग है तो भी नहीं दिखेगा। अब बात यह आती है कि अगर आपने प्रूव किया तो यहाँ पे आप ओके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पेंडिंग है तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ रीजन लिख के यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किया भाई आप, हाँ यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है। रिजेक्टेड है तो आपने रिजेक्टेड क्यों किया भाई, आपने कहा नहीं ये कंटेंट इस तरह का मुझे डालना ही नहीं है। पेंडिंग तब करेंगे आप जब को लगता है थोड़े बहुत कोई शब्द गलत हैं, इसको थोड़ा करेक्शन कर दो, या लग रहा है आपको इन्फॉर्मेशन अभी मुझे नहीं पता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है तो हमने लिख दिया, आई विल चेक फर्दर, मैं बाद में चेक करूंगा, तो मैंने इस तरह के पेंडिंग रहने दिया। तो ये हो गया किसके पास, ब्लॉगर की बात हो गई। तो ब्लॉगर को इतनी सारी चीज़ें दिखेंगी, सॉरी एडमिन की बात हो गई, एडमिन को इतनी सारी चीज़ें दिखेंगी, और एडमिन के पास एक और ऑप्शन रहेगा, व्यू कमेंट्स भी देख सकता है, क्योंकि एडमिन है उसे ही पता हो सकता है कि यूज़र किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो जो कमेंट्स वाली साइट से वो यहाँ भी हम दिखा सकते हैं, जो इसको दिखेगी, जो दिखेगी ब्लॉगर को। फ़र्क सिर्फ ये रहेगा कि ब्लॉगर केवल अपने ही कमेंट्स देख सकता है, लेकिन एडमिन ऑल ब्लॉगर्स कमेंट दे सकता है, या ऑल ब्लॉग्स की कमेंट दे सकता है, ऑल ब्लॉग्स की कमेंट्स देख सकता है। ठीक है, जबकि अगर हम ब्लॉगर की बात करें, जब वो लॉगिन होकर अपने कमेंट्स देखेगा तो उसे केवल अपने वाले ही कमेंट्स दिखेंगे, बाकी के नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो एडमिन सेक्शन में इतनी चीज़ें अभी रखते हैं, समझते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और आगे बढ़ाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई एडमिन वाली। अगर हम चलते हैं ब्लॉग में, ब्लॉगर, देखिए आज हमें केवल प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर समझना है, और उसके बाद कल हमें सारे मॉड वो बनाने हैं, MVC के बीन्स एंड डाओ बनाने हैं, और एक दो दिन इस पे चला जाएगा, फिर आपको डिज़ाइन बनानी है, और कुल मिला के हमें 5 to 7 days का पूरा एक टारगेट लेके चलना प्रोजेक्ट वर्क के लिए। इतने देर पूरा प्रोजेक्ट कवर करना है, उसके बाद एक दिन का समय जाएगा लाइव होस्टिंग में, और एक इसमें और कुछ करेंगे अपन, हम एक चीज़ हमें पढ़ानी है आपको, और वो है पेमेंट API। तो उससे रिलेटेड इसीलिए हमने कहा था वो वाले दूसरे बैच को मैं कराऊंगा शॉपिंग साइट, जिसमें पेमेंट API की बात करूं, तो इसमें कुछ ऐसा लगा देंगे अपन ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपको पेमेंट API भी लगाना समझ में आ जाए, क्योंकि तो वही एक चीज़ है जो बच रही है, बाकी तो लगभग सारी चीज़ आप कर ही लेंगे। तो अब हम बात करते हैं ब्लॉगर की, ब्लॉगर्स डैशबोर्ड। ठीक है, ब्लॉगर डैशबोर्ड की बात करेंगे हम। सेम वही चीज, सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल तो उसकी भी दिखेगी, चेंज पासवर्ड भी इसको दिखने वाला है। अब यहाँ पर इसको हम करते हैं डिलीट। तो हमने कहा जो ये ब्लॉगर होगा, ब्लॉगर के पास एक तुम्हारे पास प्रोफाइल का रहने वाला है एज यूजर, चेंज पासवर्ड का रहने वाला है, एक यहां पे रहने वाला राइट ब्लॉग। जैसे ही टाइम पर उसी तरह से ब्लॉग में क्या क्या रखना चाहते हैं आप, ब्लॉग की टेबल में देखिए कुछ चीज़ें हमें रखनी होगी, शायद टेबल वाले पे अगर कुछ बनाने में दिक्कत हुई तो देखिए ब्लॉग की टेबल कहाँ हमारे पास, ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग में कंटेंट के अलावा एक ब्लॉग का रखना होगा टाइटल, शॉर्ट टाइटल, जो टाइटल दिखे जैसे न्यूज़ उस दिन देख रहे थे अपन, तो टाइटल रहेगा, देन उसका पूरा कंटेंट रहेगा, देन उसकी एक इमेज भी रहेगी। ठीक है,
तो जब यहाँ पे ब्लॉगर कंटेंट लिखेगा तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या डालेगा, वो टाइटल, उसके बाद वो क्या लिखेगा, कंटेंट, और कंटेंट के बाद करेगा इमेज जो भी इस ब्लॉग के लिए उसे दिखानी है। अब इमेज में यहाँ दिखाऊं या नेक्स्ट पेज करके दिखाऊं, ये दोनों चीज़ मैंने आपको समझाई थी। अगर मुझे बीन्स का यूज़ करना है और एक साथ अगर दिक्कत आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक पेज पे हम टेक्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, फिर नेक्स्ट करके दूसरे पेज पे इमेज वाला रखेंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे सेव। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब ये सेव करेंगे हम, जब हम सेव करेंगे तो सेव तो होगी, लेकिन सेव होगी इन पेंडिंग स्टेटस। याद रखेंगे जब ये सेव करेगा तो इसकी बाय डिफॉल्ट स्टेटस क्या हो जाएगी, पेंडिंग, जितना भी करता जाएगा। और अप्रूव कब होगी, जब एडमिन जाके वहां पे करेगा, तो एडमिन वाला भी हम देख के आए, तो सेव इन पेंडिंग स्टेटस यहाँ पे सेव हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि पेंडिंग स्टेटस में सेव होगा तो फिर से चले जाते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं, स्टेटस के लिए कुछ रखा था अपन ने, ब्लॉग और पोस्ट में हमने लिखा था, हाँ ये आईडी तो हमने यहाँ से हटा दी थी, कंटेंट था, ब्लॉग आईडी था, पोस्टर इमेज थी। अब देखिएगा यहाँ पे दो एट्रीब्यूट और बढ़ने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने नहीं बनाए थे, यहाँ बना रहे हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे जाके समझ में आता है कि हमें कौन कौन से कॉलम छूट रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा स्टेटस, ठीक है, एक रहेगा स्टेटस और एक रहेगा स्टेटस टेक्स्ट। ठीक है, स्टेटस या स्टेटस टेक्स्ट में ना लिख के हम रीजन लिख सकते हैं, आर ई एस ओ एन, रीजन। तो स्टेटस में तीन स्टेटस, रिजेक्टेड और अप्रूव्ड, ये रन टाइम पे जब डेटा जब जाएगा। तो यहीं पर मैं कह रहा हूं, जब ब्लॉगर अपने साइट पे कोई नया ब्लॉग सेव करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो पेंडिंग में चला जाएगा, और जैसे ही एडमिन लॉगिन करके उसे अप्रूव करेगा तो इस टेबल में जाकर उसके आगे स्टेटस बदल जाएगा अप्रूव्ड। तो इसी टेबल से, क्योंकि ब्लॉग हमें इस टेबल से उठा के कहाँ दिखाना है, वेबसाइट के फ्रंट पेज पर, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्लॉग या पोस्ट वेयर स्टेटस इक्वल टू अप्रूव्ड, तो हम जहाँ पे स्टेटस अप्रूव्ड होगा उनको उठाएंगे, बाकी को उठाएंगे नहीं, तो यहाँ से पता रहेगा। तो जैसे जैसे स्टेटस अप्रूव होते जाएंगे वैसे वैसे ब्लॉग में कंटेंट बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे रीजन अब क्यों लिखा रहेगा भाई, यूजर को रीजन से कोई लेना देना नहीं, रीजन चाहिए इस ब्लॉगर को कि जब वो देखेगा यार मेरी पिछली पोस्ट अभी तक अप्रूव क्यों नहीं हुई, तो वो कहाँ ढूंढेगा, वो रीजन देखेगा हर बार के लिए, थोड़ी ना एडमिन को फोन करेगा भाई मेरी स्टेटस देख लो, तो रीजन पे जाके देखेगा। तो ये दो और पेंडिंग स्टेटस, या हम ये कह सकते हैं व्यू ब्लॉग स्टेटस। तो व्यू ब्लॉग स्टेटस ना रखकर मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया इसको, ब्लॉग रिपोर्ट देखेंगे। ब्लॉग रिपोर्ट के अंदर सब मेन्यू हम बना देंगे। ठीक है, ये देखना है पेंडिंग ब्लॉग देखने हैं कितने बचे हैं मेरे पास, हमें देखना अप्रूव्ड ब्लॉग कितने हो गए वो देख लेगा ये। अब यहाँ पर इसे खुद के दिखेंगे सिर्फ, बाकी दूसरे के नहीं दिखेंगे, और यहाँ पे तीसरा क्या दिखेगा, रिजेक्टेड ब्लॉग। तो ये ब्लॉग रिपोर्ट के अंदर ये तीन सेक्शन आ गए इसके पास, ये एक मेन्यू हो गया, उसके अंदर तीन सब मेन्यू डाल देंगे अपन। तो यहाँ से वो अपने ब्लॉग को देख सकता है, यहाँ पर उसने नया ब्लॉग देख लिया, और यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया हमने। अब देखिए पेंडिंग ब्लॉग, अप्रूव्ड ब्लॉग एंड रिजेक्टेड ब्लॉग, इनमें से कोई भी दिखेगा आपको, कोई भी ब्लॉग दिखेगा तो ऑटोमेटिकली टेबलर फॉर्मेट में दिखाना है। तो यहाँ पर जो भी आपको दिखाना है वो किस फॉर्मेट में दिखाना है, टेबलर फॉर्मेट में दिखाना है। टेबलर फॉर्मेट में दिखाएंगे आप तो यहाँ पे आईडी रहेगी, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग का टाइटल रहने वाला है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, सारा नहीं शॉर्ट में रहेगा क्योंकि इसने लिखा इसे पूरा वैसे ही डिस्क्रिप्शन पता है, तो 10-15 वर्ड। और यहीं पर एक ऑप्शन आगे रहेगा इसके पास, एडिट और डिलीट का। ठीक है, एडिट और डिलीट का,
क्रूड एप्लीकेशन, ये भी हम पढ़ चुके। हमने कहा पढ़ा हमने सब कुछ है, अब उसे प्रॉपरली मैनेज करना है। ठीक है, बस मैनेज करना सीख गए तो मान लीजिए कि आपको सब कुछ आ गया। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये दिखाएगा और यहीं पर स्टेटस दिखाएगा। ठीक है, स्टेटस, अब यहाँ स्टेटस अलग से इसलिए नहीं लिख रहे हैं अपन क्योंकि हम यहाँ पहले से ही क्लिक करेंगे। पेंडिंग होगा सिर्फ पेंडिंग वाले दिखेंगे, अप्रूव्ड होगा सिर्फ अप्रूव्ड वाले दिखेंगे, और रिजेक्टेड होगा रिजेक्टेड वाला दिखेगा। तो स्टेटस अगर हम चाहें तो दिखा सकते हैं यहाँ पर, बट अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। कब बनेगा कॉलम? अगर हमने सिर्फ रिपोर्ट बनाई होती, ये तीन ऑप्शन नहीं दिए होते, तो यहाँ पर सिर्फ एक टेबल आती और वहाँ स्टेटस भी दिखाते हैं हमको भाई किसका क्या स्टेटस। अब आपको पता है एडिट और डिलीट, एडिट होगा तो कुछ इसी तरह से फॉर्म खुलेगा जैसे ऊपर बना हुआ मैंने, यहाँ पे टाइटल आएगा, यहाँ पे आप चेंज करके वापस सेव कर देंगे, वही ब्लॉग वहीं की वहीं क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा वो आएगा व्यू कॉमेंट्स। ठीक है, व्यू कॉमेंट्स, तो यहाँ पर जब व्यू कॉमेंट्स की बात आएगी तो यहाँ भी एक टेबल दिखेगा, टेबल के फॉर्मेट में आएगा, देखिएगा। ठीक है, और टेबल के फॉर्मेट में आएगा तो यहाँ पर आएगी ब्लॉग आईडी, किस ब्लॉग के लिए कमेंट आया है। ठीक है, किस यूजर ने कमेंट किया है और यहाँ पे कमेंट्स क्या आया है, कमेंट्स का शॉर्ट थोड़ा सा, क्योंकि बाकी डिटेल के लिए हमें यहाँ पर दिखाना होगा एक बटन जिसका नाम रखेंगे व्यू। ठीक है, जिसका नाम क्या रखेंगे, व्यू। तो हर एक के सामने एक पूरा का पूरा आएगा व्यू, तो यहाँ से उसे दिख जाएगा और यहाँ पर उसे व्यू करेगा। व्यू करने से पूरा का पूरा उसे कमेंट दिखेगा, व्यू करने के बाद पूरा का पूरा कमेंट दिखेगा उसे यहाँ पर। और अगर उसे लगता है कि मुझे रिप्लाई देना है, अगर उसे लगता है कि मुझे रिप्लाई देना है तो यहाँ पर रिप्लाई का एक बटन दिखेगा जहाँ पर अपना वो रिप्लाई टाइप करेगा और यहाँ पर रिप्लाई की बटन पर क्लिक कर देगा। ठीक है, समझ गए बात को। वहाँ से यूजर जो कमेंट्स दिखाएगा वो यहाँ पर इसको दिखाना है, मतलब ये जो सारा फंडा है ये कहाँ से आएगा, उस कमेंट वाली टेबल से आएगा। तो हमने कमेंट वाली टेबल कहाँ बनाई थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कमेंट्स बनाई थी। यहाँ ब्लॉगर आईडी, इससे पता चलेगा कि हाँ इस ब्लॉगर को उसी के ब्लॉग के कमेंट दिखने चाहिए और वो कमेंट किस वाले ब्लॉग के लिए वो भी यहाँ से पता चल जाएगा। ब्लॉग आईडी भी है, यूजर नेम क्या भेजा। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने क्या बनाया था, रिप्लाई। अगर यूजर रिप्लाई देगा तो इसी टेबल में जाकर वो रिप्लाई छप जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक टेबल हो गई हमारे पास। तो सभी टेबल को हमने पहले ही देख लिया और इन सबको डिजाइन करना समझ लिया। क्या हो गया भाई, ऊपर का डेटा कहाँ चला गया मेरे, क्लियर है। तो ये देखिए यहाँ पर, हाँ कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर। ये हो गया कौन सा वाले पेज का, ये हो गया हमारे पास ब्लॉगर वाले पेज का। ठीक है, ये हो गया किसके क्लिक्स के लिए, ब्लॉगर वाले पेज के लिए। ये ब्लॉगर का डैशबोर्ड हो गया, ये ब्लॉगर का डैशबोर्ड हो गया। यूजर का कोई डैशबोर्ड हमें रखना नहीं है, तो यूजर के लिए सिर्फ आपको फ्रंट पेज बनाना है, जो मैंने बता ही दिया कि फ्रंट पेज किस तरह दिखने वाला है। फ्रंट पेज आई थिंक यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे बनाया था मैंने। तो फ्रंट पेज कुछ इस तरह से, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, इस तरह से दिखेगा जहाँ पर हेडर वगैरह रहेंगे आपका साइट का। ठीक है, हेडर के बाद यहाँ पर नीचे फुटर एड्रेस वगैरह रहेगा आपका, आप जो भी आप वेबसाइट मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर एक लाइव सर्च देना, ऊपर हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, और यहाँ पे रजिस्टर एंड लॉगिन का ऑप्शन देना है। ठीक है, ये किसके लिए, ब्लॉगर के लिए, नॉट फॉर यूजर। अगर यूजर कर रहा तो ऑटोमेटिकली समझ लेना वो ब्लॉगर बन जाएगा। तो जैसे रजिस्टर करेंगे हम क्या बन जाएंगे, ब्लॉगर। यहाँ पर कैटेगरी, अब देखिए यहाँ पर जब कैटेगरी आएगी तो यहाँ पर कुछ चीजें और हम थोड़ा एडवांस इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे कैटेगरी आया तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम ये भी इन्फॉर्मेशन शो करेंगे उस कैटेगरी में कितनी न्यूज अवेलेबल हैं या कितने ब्लॉग अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी में हम ये भी लिखना शुरू करेंगे, जो कि जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे सब उसके 100 है, किसी पे 200 न्यूज है। तो इस तरह से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे एज अ बिल्कुल उसे लाइव साइट की तरह दिखाएंगे।
तो ये रहा पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर जिस पर हमें करना है वर्क, और वर्क करना है तो इसमें मैं तो करूंगा ही वर्क, थोड़े थोड़े चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो भाई आपसे भी इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, तो आपसे इम्प्लीमेंट करवाऊंगा तो उसके लिए कमर कस लीजिए। ऐसा नहीं सिर्फ बैठे रहो कि बस सर करेंगे और हम देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसी होगी जैसे किसी दिन किसी को हमने बना दिया भाई इसका आप बीन्स और डाओ बना के दिखाओ, दे दो मुझे, तो क्या थोड़ी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ी सी आपके एंड पे भी मुझे हेल्प चाहिए, इसमें सबका मुझे सहयोग चाहिए ही चाहिए ताकि सीखो। अब क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट वर्क होगा एक्चुअली ये रोज़ ही अपडेट होगा, प्रोजेक्ट वर्क हमने पहले ही कहा है कि लगभग 7 डेज इस पर एक्सपेंड करना है ताकि बढ़िया से सीख लें इसको, ठीक है। बनाने को तो हम 2-3 दिन बना, लेकिन नहीं 7 डेज इसको ताकि बेहतरीन ढंग से करें। तो इसका जो ड्यूरेशन रहेगा प्रोजेक्ट वर्क का 7 डेज रहने वाला है। और जितने भी प्रोजेक्ट वर्क आज से हम करेंगे, मतलब जब कल से शुरू करेंगे, तो अब देखिए इनको हम आपको पोस्ट करेंगे, बल्कि इनको हम पब्लिकली अवेलेबल कराएंगे आपको। तो इनके लिए हम पब्लिक रिपोजिटरी बनाने वाले हैं या पब्लिक रेपो बनाएंगे गिटहब पर। तो चलिए ये भी यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, गिटहब, ठीक है। तो जो भी डे बाय डे वर्क होगा यहाँ पे मैं गिटहब पर इसको रोज का रोज पोस्ट कर दूंगा, और आप लोग अपने सिस्टम पे, क्लाइंट पे आप इंतजार नहीं करेंगे कि सर मुझे मेल करेंगे, आप यहीं से उसे क्लोन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ करना है, ये भी मैं सिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना। ये आपको क्लोन कैसे करना अपने साइट पे, तो जो भी मैं यहाँ रोज अपडेट करूंगा, आपको सिर्फ क्या करना है अपने एप्लीकेशन पे, अपने कंप्यूटर पे कमांड चलानी है क्लोन की, ठीक है। तो एक दिन क्लोन कर लेना, दूसरे दिन आपको क्लोन नहीं, सिर्फ आपको जो चेंजेस होंगे सिर्फ उसको रीड करना रहेगा। तो ये हो गया मेरा सर्वर, दैट मीन्स ये हो गया मैं। यहाँ से मैं रोज का रोज क्या करूँगा, कमिट कहाँ पे, गिटहब पर, और यहाँ से करेंगे। तो आप सभी लोग सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि आप गिटहब पर अपना अकाउंट बना लें। सभी लोगों का बना हुआ है या किसी का नहीं बना है, किसका बना हुआ आप में से? बना हुआ है ना, तो जिसने नहीं बनाया है वो गिटहब पर आज ही अकाउंट बना लो, जिसका भी नहीं बना गिटहब पे अकाउंट बना लो, सिंपल सा है फंडा। और वहाँ पे बताता हूँ मैं किस तरह से आपको रिपोजिटरी वगैरह बनानी रहेगी, ठीक है। तो मैं जो भी प्रोजेक्ट वर्क करूँगा अभी आपको गिट पे मिलने वाले हैं, और गिट पे सारी उनका जो डिपेंडेंसी है, जो भी आपको जार फाइल वगैरह सब मैं देता रहूँगा इसी में, सब कुछ आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे उसे क्लोन कर लेना है और चला लेना है। गिट को हम कहते हैं एक्चुअली जो गिट है, ठीक है, ये कहलाता है वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इससे क्या होता है कि हम क्यों ऐसा लिखते हैं गिट में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका समझा दूं मैं अभी यार, कि जैसे जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमने कोई नया कोड इम्प्लीमेंट किया, अब दो चीज़ होती है, या तो बेहतरीन होगा या फिर पुअर हो जाएगा कोड। अब यहाँ सिंगल लाइन का कोड नहीं, चलो हमने ये लाइन लिखी तो इसको कंट्रोल डी किया हट गया, अब ये गड़बड़ हो गया, फिर कोई कोड किया ये सही रहा, फिर कोई कोड गड़बड़ हो गया। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पे इस वाले स्टेज पे 5 दिन लगातार काम किया, फिर क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा किस दिन आपने क्या काम किया। तो एक ऑप्शन ये होता है कि हर दिन का एक प्रोजेक्ट आप अलग बनाए, ये डे वन का आपने बनाया था, डे वन का प्रोजेक्ट था, दूसरे दिन इसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आप इस पे मत करिए, डे टू में उसकी कॉपी बनाइए फिर उस पे काम करिए, फिर आपने क्या किया डे थ्री फिर अगेन एक कॉपी आपने बनाई, उस कॉपी पे काम किया। तो इस तरह से डेवलपर्स काम करते थे पहले कंपनियों पे, भाई हर दिन आप क्या करते थे उस एक्चुअल वाले कॉपी पे काम नहीं करते थे, क्योंकि अगर आपको कोई गड़बड़ हुआ आपको रोल बैक करना है, ये पीछे जाना है, रिस्टोर करना कोई पीछे की सेटिंग, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये बड़ी समस्या होती थी, बहुत सारी कॉपी बनती चली जाती थी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को कॉपी कंट्रोल करने के लिए क्या आया, गिट मार्क। गिट कहता है कि आप जब जब भी कोई नया काम करेंगे उसको तो आपके प्रोजेक्ट पिछला जो भी उसका कमिट था, ये पिछला जो भी उसका स्टैंडर्ड था, ये पिछला जो भी कोड था, उससे हम मेंटेन करके रखेंगे, ताकि अगर आप कोई कभी ये ना जमे तो आप यहाँ से रोल बैक करके पीछे जा सकते हैं, यहाँ से और भी पीछे जा सकते हैं, और इनको मर्ज करके आपका जो लाइव प्रोजेक्ट रहेगा वो तो काम करता ही रहेगा, पहला काम। दूसरा काम, अगर आपको मल्टी यूजर प्रोजेक्ट बनाना है, मल्टी यूजर भाई मैं इस पर एडमिन मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, और उसी टाइम पे आपको हमने कहा कि भाई आप एक काम करें ब्लॉगर मॉड्यूल पे काम कर लीजिए,
अब होगा क्या कि यहाँ तो मैं बैठा रहूंगा, क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट है तो आप एक कॉपी ले जाएंगे मुझसे, उस पर काम करते रहेंगे, लेकिन मुझे बीच बीच में टेस्टिंग करनी है दोनों की, काम हो रहा कि नहीं हो रहा। अब आप कहीं और काम कर, मैं कहीं और काम कर रहा हूँ, तो क्या होगा, गिट के थ्रू एक ही प्रोजेक्ट की दो रेपो पे काम हो रहा होगा, और जब भी आपका काम होता जाएगा तो आप यहाँ से कमिट करते चले जाएंगे और मैं यहाँ पर उसको रीड करता जाऊँगा, क्लोन करता जाऊँगा एक साथ। तो मल्टीपल टाइम पे कई सारे यूजर अलग अलग एप्लीकेशन पे उसके काम कर सकते हैं, और जब तक ये काम करेगा लोकल रिपोजिटरी पे काम करेगा, दैट मीन्स वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा कि कितनी बार कंपाइल कर रहा है, कि कहाँ एरर आ रही है, इससे इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको अपनी लोकल डेस्क पे काम कर रही है। तो इससे दो तीन फायदे होने वाले हैं। जब दो लोग काम कर रहे हैं तो जैसे आपको मेरे मॉड्यूल के साथ टेस्टिंग करनी है और मैंने कुछ गलत कोड लिख के आपके उस पे रिपोजिटरी में भेज दिया, तो फिर गलत नहीं जाएगा कुछ? नहीं नहीं, उसके लिए ऐसे नहीं करेंगे, उसके लिए हम ब्रांच बनाएंगे, फ्रॉक करते हैं, समझ रहे हो ना। हम क्या करते हैं, उसके लिए अलग से जब भी हमें कोड टेस्ट करना होगा, हम क्या बना देंगे, ब्रांच बना। तो पहले हम ब्रांच में सारा कमिट करते हैं, ठीक है। ब्रांच के बाद जब ब्रांच सब कुछ सही आती है, तब हम इधर लाते हैं, और किसी भी टाइम पे हम उसे रोल बैक कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो जाएगा सीधे रोल बैक होगा, मेरा वाला है तो जितनी बार कमिट होगा उतनी बार एक नई रेपो बनती चली जाएगी ऑटोमेटिकली, मतलब उसके अंदर एक नई नई फाइल बनती जाएगी, और वो जो फाइलें होंगी वो सारा का सारा ये कह सकते हैं लॉगिन के फॉर्मेट में मेंटेन रखता है। तो ये कल हम पढ़ाएंगे, पहले गिट आपको कल से शुरू करेंगे, आज केवल प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है, इंट्रोडक्टरी लेवल पे बता दिया करना क्या है आपको, ये फाइलें भेज दूंगा आपको। अब हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, देखिए अभी हमें सबसे पहले शुरुआत किससे करनी है, फर्स्ट क्या पढ़ना है, फर्स्ट हमें पढ़ना है MVC, ठीक है, मतलब हमें बनाना बीन्स और बनाना है डाउस, ठीक है, पहला काम। देन काम आएगा टेम्पलेट का, तो टेम्पलेट वगैरह डाउनलोड करना है, तो बीन्स डाउस सब कुछ बना लीजिए, देन टेम्पलेट बनाएंगे, टेम्पलेट के बाद हम इनका करेंगे पाइपलाइन डालेंगे, दैट मीन्स हम सिर्फ कनेक्टिविटी करेंगे, किस पेज से क्लिक करने से कहाँ पे जा रहे हैं, तो केवल पेजेस बनाएंगे, और पेजेस के बाद फिर इनकी कनेक्टिविटी कर देंगे उठाकर। तो यहाँ पे काम शुरू करेंगे हम सबसे पहले, तो कल ये सब काम करेंगे, कल ही थोड़ा सा हम आपको गिट पढ़ाएंगे, साथ साथ आप कल लैपटॉप में ही क्लास लेना, सब लोग वैसे लैपटॉप पे ही ले रहे हो क्लास या फिर मोबाइल पे ले रहे होगे, दो ही ऑप्शन होगा। कितने बच्चे हैं जो लैपटॉप पे सीधे क्लास लेते हैं, सभी बच्चे, सबके पास ये लगभग लैपटॉप। तो कल हम यहाँ से लाइव सीधे गिट बनाते जाएंगे और आप लोग वहाँ चला के उसको तुरंत क्या करते जाना, चेक करते चले जाना और बताते चले जाना कि हाँ सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए 4:30 से दूसरी क्लास नहीं तो आज ही बता देता मैं, तो आज इतना ही। पिछला, हाँ लेकिन पिछला जरूर आप पूरा कंप्लीट करेंगे, देखिए यहाँ वैलिडेशन वगैरह लगेगा ही, उसका कोई विकल्प नहीं है, अजाक्स का यूज यहाँ होने ही वाला है, जेक्वेरी का जहाँ यूज पड़ेगा वहाँ पे करेंगे, हमें JSP का यूज करना है वो भी यूज होगा, और इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी एक्सप्रेशन लैंग्वेज AL की, उसे भी यूज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यूज होंगी, तो ये सब चीज़ें रिवाइज्ड हो जाएंगी। अगर किसी में कोई दिक्कत है तो आप कर लीजिए, वैलिडेशन वगैरह किसी को नहीं आ रहा हो पढ़ लेना, ठीक है। चलो आज इतना ही कराएंगे, ठीक है, कल से शुरू करेंगे इस पे वर्क।